नमस्कार दोस्तों। मिलो दूर चले आए, कल की जी आपके दर्शन न पाए, इस जीवन यात्रा में, इस कलयुग चक्रा में। कुछ लोग कहते हैं कि कहाँ है कल की, दर्शन तो है नहीं, कलयुग का भी इतना लंबा समय बीत गया। मीलों दूर चले आए जीवन की यात्रा में, न जाने कितनी, उसमें हम भी आप भी हैं, एक कलयुग का चक्र चल रहा है। कृपा कर दो, दर्शन दे दो, तरसे है नर नारी। सब कहने लगे इतनी बीमारी आ रखी दुनिया, इतनी परेशान है, कृपा कर दो, दर्शन दे दो। कृपा कर दो, दर्शन दे दो, तरसे है नर नारी। पाप धर्म मचा रहे, पग पग पे अत्याचारी, धर्म की रक्षा खतरे में है, आवो अब अवतारी। मिलो दूर चले आए, कल की जी आपके दर्शन न पाए, इस जीवन यात्रा में, इस कलयुग चक्रा में। तो ये तो सभी के दिल की बात है। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा अलौकिक रूप है, जादू है, गुण है, कि आप उनको दुख में जरूर याद करो। वो एक बात है कि अगर आप उनको सुख में भी याद कर लो तो शायद इतनी तकलीफ ही ना हो। पर क्या करें, ये चक्र, ये भी लीला ऊपर वाले की है। कुछ चीज़ें तो हैं, एक किसी ने पूछा मुझसे कि यार सब कुछ अगर ईश्वर ने रचा है तो हम पे क्या छोड़ा है। आधे लोगों को तो समझ में नहीं आता कि सब लीला ऊपर वाले की, तो हमारे लिए कुछ है क्या नहीं। तो उसमें मैंने लिखा था दो लाइन कि सब कुछ अगर तकदीर ही है तो फिर हमारे लिए क्या है, हम तो कठपुतली हैं, फिर क्या नाराजगी, क्या गुस्सा, क्या दुश्मनी, कुछ भी नहीं है। सब कुछ तकदीर नहीं है, कुछ तुझ पे भी छोड़ा है, कुछ कर्मों का तेरे फल है, कुछ रब ने लिख जोड़ा है। सब कुछ तकदीर नहीं है, कुछ तुझ पे भी छोड़ा है। क्या तुझ पे छोड़ा? कर्म। अच्छे करोगे तो अच्छा, बुरे करोगे तो बुरा। सब कुछ तकदीर नहीं है, कुछ तुझ पे भी छोड़ा है, कुछ कर्मों का तेरे फल है, कुछ रब ने लिख जोड़ा है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मेरा मन तो करता है कि आपको बहुत सारी बातें, लंबे लंबे एक एक घंटे के बातें करूं, कि बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को बतानी है धीरे धीरे धीरे, पर ऐसे ही धीरे धीरे बताएंगे। जय हो प्रभु की।